भाई सीबीएसई ने जब से सिलेबस में पदबंध को डाला है, मुझे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। सर जी, ये पदबंध क्या होता है? सर, ये विशेषण पदबंध की पहचान कैसे करें? सर, ये सिलेबस से पदबंध कब हटेगा? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लासोमेनिया में। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि चुटकियों में पदबंध की पहचान कैसे की जाती है। तो सबसे पहले पदबंध की परिभाषा देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक शाब्दिक इकाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण का काम करते हैं, तो ऐसे पद समूह को हम कहते हैं पदबंध। निकल गया ऊपर से, घबराइए मत। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पदबंध के पांच भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आपको पूरा वाक्य दिया जाएगा तो आपको उस वाक्य में से केवल जिन शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ होगा उन शब्दों में से ही आपको पता लगाना है कि इसमें पदबंध का कौन सा भेद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला संज्ञा पदबंध। दोस्तों, संज्ञा की परिभाषा तो आप जानते ही होंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अगर पदबंध की पहचान के लिए आपके पास एक वाक्य आए उसमें से कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया होगा तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है जिन शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है उसमें से लास्ट में जो शब्द है, जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, जो लास्ट वाला शब्द है उसमें कहीं किसी का नाम, कोई स्थान या फिर किसी भाव की बात या किसी वस्तु की बात तो नहीं की जा रही। अगर ऐसा है तो वो सीधे सीधे क्या है? संज्ञा पदबंध। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बंद कर देना चाहिए। तो अब जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि लास्ट में एक वस्तु है वाहन, जो हमारे यात्रा के साधन के लिए काम आता है, वो लास्ट में है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अंडरलाइन किए हुए शब्दों में अगर लास्ट में कोई संज्ञा से संबंधित कोई शब्द आ रहा है तो वो सीधे सीधे संज्ञा पदबंध ही कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको वाहन जो है एक संज्ञा वाला शब्द है, तो यहां पर ये क्या है? संज्ञा पदबंध। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। राम ने लंका के राजा रावण को मारा। अब देखिए यहां पर जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उसमें लास्ट में आपको रावण दिखाई दे रहा होगा, तो रावण क्या है? एक नाम है। तो ये क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध। तो चलिए आप चलते हैं सर्वनाम पदबंध पर। दोस्तों, सर्वनाम पदबंध की पहचान बहुत आसान है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अंडरलाइन किए हुए शब्दों में अगर आपको लास्ट में आप, तुम, कौन, वो, वे, कोई जैसे शब्द अगर आपको मिलते हैं तो आप कर लीजिए आंखें बंद और लिख दीजिए सर्वनाम पदबंध। जी हाँ दोस्तों, ये सर्वनाम पदबंध की पहचान है। चलिए इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं इसमें सबसे लास्ट में आप आ रहा है, तो मैंने आपसे कहा था अगर आप, तुम, कौन, कोई, वे जैसे कोई शब्द अगर आपको अंडरलाइन किए हुए सबसे लास्ट में मिलते हैं तो आपको सीधे सीधे आंख बंद करनी है और लगाना है क्या? यह है सर्वनाम पदबंध। तो इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। कल कल छल छल करने वाली वह नदी अब नहीं रही। अब मैंने इस पे अंडरलाइन किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि अंडरलाइन किए हुए शब्दों में सबसे लास्ट में एक शब्द दिख रहा है वह, तो ये सीधा सीधा क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध। तो चलिए अब चलते हैं विशेषण पदबंध पर। विशेषण पदबंध, जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि विशेषता बताना। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की विशेषता, अच्छाई, बुराई, उसके गुण बताए जा रहे हैं या फिर किसी से उसकी तुलना की जा रही है तो सीधे सीधे यहां पर विशेषण पदबंध है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि अंडरलाइन किए हुए शब्दों में अब लास्ट में नहीं देखना है, अब आपको पूरे शब्दों में देखना है किसी की अच्छाई, बुराई या फिर किसी की तुलना किसी से की जा रही है, तो ये सीधे सीधे क्या है? विशेषण पदबंध। तो चलिए इसके देखते हैं कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है, आप मेरे लिए एक सचित्र, सुंदर और सामाजिक उपन्यास लेते आइएगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सचित्र, सुंदर और सामाजिक एक विशेषता है, तो ये सीधे सीधे क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध। और एक इसका उदाहरण देख लेते हैं। गुलाब के फूल जैसा शिशु का मुख किसे मुग्ध नहीं करता? अब देखिए, गुलाब के फूल जैसा, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी की भी तुलना की जा रही हो तो वहाँ पर आपको सीधे सीधे क्या चीज़ पे मार्क करना है? सीधे सीधे आपको लिखना है विशेषण पदबंध। क्रिया पदबंध, यानी किसी कार्य के होने का आपको पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अंडरलाइन किए हुए शब्दों में
सबसे ज्यादा शब्द जो होंगे वो किसी कार्य के होने के संकेत कर रहे होंगे, तो वो या तो वो कार्य हो चुका होगा या फिर वो हो रहा होगा। तो चलिए इसके देखते हैं कुछ उदाहरण, इसकी पहचान कैसे होती है। सबसे पहला उदाहरण है, मेघा ने कागज फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पर आपको अंडरलाइन किए हुए शब्दों में ज्यादातर शब्द ऐसे दिख रहे होंगे जो किसी काम के होने के और संकेत कर रहे होंगे, जैसे कि कागज फाड़ना ये क्या है, कार्य है। उसके टुकड़े टुकड़े करना ये कार्य है, तो ये सीधे सीधे क्या कहलाएगा, क्रिया पद बंध। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे शालू रुक रुक कर धीरे धीरे चल रही थी। तो आपको अंडरलाइन किए हुए शब्दों में एक कार्य आराम से दिख रहा होगा, तो ये क्या कहलाएगा, सीधे सीधे क्रिया पद बंध। लेकिन लेकिन और सबसे बड़ा लेकिन आपके लिए है, आपको मैं क्रिया पद बंध की एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूं। जहां पर भी आपको अंडरलाइन किए हुए शब्दों में दो शब्द ऐसे मिल जाए जो एक जैसे दिखते हों और एक साथ लिखे हों, जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, हंसते हंसते, रोते रोते, डर डर, ऐसे शब्द अगर आपको मिल जाए तो आप आंख बंद करके लिख दीजिए क्या, क्रिया पद बंध। तो चलिए आगे चलते हैं क्रिया विशेषण पदबंध की ओर, जिसे हम अव्यय पदबंध भी कहते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध, आप क्रिया भी पढ़ चुके हैं और आप विशेषण भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर उन दोनों का ही मिक्सचर है, यानी कि आपको अंडरलाइन किए हुए शब्दों में दोनों चीजें मिलेंगी, यानी कार्य भी मिलेगा और उस कार्य से किसी की विशेषता या फिर किसी की अच्छाई बुराई गुण जो भी बताया जा रहा होगा वो भी आपको मिलेगा। इसकी पहचान का एक और तरीका है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तरीका समझाता हूँ। तो देखते हैं क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण, श्याम पहले से बहुत तेज दौड़ा और जीत गया। यहां पर अंडरलाइन किए हुए शब्द आपको दिख रहा होगा कि श्याम दौड़ा, ये एक कार्य है और वो तेज दौड़ा ये उसकी विशेषता है, तो यहां पर कार्य और विशेषता दोनों आपको मिल चुकी है, तो सीधे सीधे ये क्या है, क्रिया विशेषण। चलिए इसका एक और उदाहरण देखते हैं, दरोगा गुस्से से बड़े जोरों से दांते पीसता हुआ जा रहा था। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि गुस्से में तो जा रहा था, ये क्या है, कार्य है, लेकिन वो दांते पीसता हुआ जा रहा था ये उसकी विशेषता है, क्योंकि वो सामने दिख रही है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रिया विशेषण पदबंध की पहचान का दूसरा तरीका भी है, तो उसमें आपके लिए अंडरलाइन किए हुए शब्दों में ज्यादातर शब्द ऐसे होंगे जिनका हम भूत, भविष्य और वर्तमान काल चेंज नहीं कर सकते, उनका ना ही हम लिंग चेंज कर सकते हैं, ना ही वचन चेंज कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं, और इसीलिए क्रिया विशेषण पदबंध को हम अव्यय पदबंध भी कहते हैं। चलिए करते हैं इसकी पहचान। पहला उदाहरण है, वह सुबह से शाम तक पढ़ता रहा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, सुबह से शाम तक, अब आप तक को अगर भविष्य में लिखोगे तब भी उसको वैसा ही लिखोगे, अगर आप उसको भूतकाल में लिखोगे तब भी वैसा ही लिखोगे, और अगर आप उसको भविष्यकाल में लिखोगे तब भी आप उसको तक ही लिखोगे। ऐसे ही सुबह और शाम को भी आप जब भी लिखोगे इसको ऐसा ही लिखोगे, तो ये सीधे सीधे किसकी पहचान है, क्रिया विशेषण की पहचान है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं, जैसा कि उसी छोटी सी पहाड़ी के निकट छल छलाता झरना है। तो ये जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं, उसी छोटी सी पहाड़ी के निकट, अब देखिए आप उसी को तो वैसे ही लिखते हो, चाहे कोई सा भी काल हो, चाहे कोई सा भी लिंग हो, कोई सा ही वचन हो, छोटी भी आप वैसा ही लिखते हो, अब निकट भी आप वैसा ही लिखते हो। यहाँ पे ज्यादातर शब्द आपको ऐसे दिखेंगे जो जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये सीधे सीधे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे क्रिया विशेषण पदबंध। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आप अभी तक टिके हुए हैं तो आपके लिए है अब बोनस पॉइंट। दोस्तों परीक्षाओं में आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों में कौन सा पदबंध छुपा हुआ है, उसकी पहचान करिए तथा उसका भेद भी लिखिए। या फिर इसके अलावा एक और तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि पदबंध की परिभाषा लिखिए तथा उसके कोई भी तीन भेद लिखकर उनके उदाहरण भी दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।